हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। आज मैं आपके साथ वनीला केक की रेसिपी शेयर करूंगी। केक तो मैंने पहले बहुत बार बनाया है, लेकिन विप क्रीम से अभी तक मैंने उसकी आइसिंग नहीं की है, पहली बार कर रही हूं। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ सबसे पहले स्पंज केक तैयार करेंगे, वनीला स्पंज। तो उसके लिए मैदा लेंगे, वाइट मक्खन, शुगर पाउडर, ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दो अंडा और हाफ कप दूध। यहाँ मैं दो अंडे का बना रही हूँ, तो दिखाती हूँ किस तरह से इसका मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ मैं दो अंडे का बना रही हूँ, तो दो अंडे में दो कप मैदा, दो कप शुगर पाउडर और एक कप मक्खन और तेल जाएगा। तो देखते हैं, एक बड़े बोल में हाफ कप वाइट बटर लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। दोनों मिला के एक कप होना चाहिए, उसे डालेंगे। ऑयल डालने से केक काफ़ी मॉइस्ट बनता है, तो इसे फेटेंगे। केक बनाने में एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हों, फ्रिज से निकाल के फौरन इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयल और मक्खन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि वो एक जैसा हो जाए। अब इसमें शुगर पाउडर डालेंगे, ये मैंने चीनी को पीस के बनाया है। दो कप शुगर पाउडर डालेंगे, उसे भी मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड के मेथड से क्यूब बनाते हुए इसे तब तक करेंगे जब तक ये बिल्कुल हल्का ना हो जाए। एक मिनट तक इसे फेटेंगे और ये काफ़ी आपको हल्का महसूस होने लगेगा। अब थोड़ा देखिए इस तरह से हो जाएगा, वाइट भी हो जाएगा ज़्यादा। अब इसमें अंडे की जर्दी डालेंगे, सफ़ेदी को अलग कर लेंगे और सिर्फ जर्दी डालेंगे। सफ़ेदी को एक साइड रख देंगे और इसे भी फिर से मिक्स करेंगे। जर्दी डाल के भी आधा मिनट फेटेंगे। अब इसे एक साइड रख देंगे। एक छन्नी में दो कप मैदा लेंगे। मैं इस कप से जो घर में चाय के लिए यूज़ होती है उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कप 125 ml का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 teaspoon, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डालेंगे 1/4 teaspoon और इसे छान लेंगे। छानने से ये एक साथ मिक्स हो जाएगा। अब इस बैटर में मैदे को बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। और डालेंगे फिर दूध डालेंगे। सारा मैदा डाल देंगे।
मिक्स करेंगे। थोड़ा दूध डालेंगे। दूध और डालेंगे। दूध भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसमें अंडे की सफेदी को फेंट के डालेंगे। इसे काफी देर तक इसे फेंटना है कि बहुत अच्छा झाग तैयार हो जाए। एक मिनट तक इसे लगातार फेंटने से ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छा इसमें झाग हो गया है। अब इसको इस बैटर में ट्रांसफर कर देंगे। अब बहुत हल्के हाथों से इसे फोल्ड करेंगे। इसे ज़्यादा नहीं फेंटना है, बहुत ही धीमे हाथों से। अब सबसे लास्ट में इसमें वनीला एसेंस डालेंगे कुछ बूंदे, और इसे भी हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। केक का बैटर तैयार है। केक को जिसमें बनाना है उस मोल्ड को तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेके इसे ग्रीस करेंगे। पार्चमेंट पेपर इसमें डालेंगे, इसको भी थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। मैंने ओवन को रीहीट करने के लिए 180 डिग्री पे रख दिया है। केक अच्छी तरह से बेक हो इसके लिए ओवन को प्रीहीट होना ज़रूरी है। अब इस बैटर को इसमें डालेंगे। इसमें थोड़ा मैंने छोड़ दिया है। इसे थोड़ा टैप कर लेंगे। टैप करने से इसमें जो अंदर बबल है वो हट जाएगा। अब इस केक के बैटर को ओवन में डालेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 25 से 30 मिनट के लिए। केक बन गया है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। केक को निकालते हैं, पहले इसका साइड अलग करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा केक तैयार हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट। अब इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब क्रीम को विप करेंगे। यहाँ मैंने अमूल की विपिंग क्रीम ली है। एक बोल लेंगे जो मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था काफ़ी देर से, ये बिल्कुल ठंडा हो रहा है। अब इसमें क्रीम डालेंगे 200 ml। यहाँ पे मैंने विप क्रीम ली है। अब इसे विप करेंगे। एक कटोरे में मैंने आइस डाल के उसके ऊपर ये डाल दिया है कि क्रीम बिल्कुल ठंडी रहे। वन टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिससे बाइंडिंग रहेगी, और इसमें शुगर पाउडर भी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे,
यहाँ मैंने इस कप से एक कप लिया है शुगर पाउडर, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। अब इसमें कुछ बूंदें वनीला एसेंस की डालेंगे और इसे फिर से व्हिप करेंगे। क्रीम बहुत अच्छी तरह से व्हिप हो गई है, अब इसे फ्रिज में डाल देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए। केक फ्रिज से निकाल लिया है, बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसे मैंने बीच से काट के अलग कर लिया है। एक प्लेट लेंगे जिसमें केक को रखना है, उस पर थोड़ा क्रीम लगाएंगे, फैला देंगे, उसके ऊपर केक के एक भाग को रखेंगे। इसमें छोटा छोटा छेद करेंगे और शुगर सिरप डालेंगे। ये मैंने चीनी में थोड़ा सा पानी डाल के एक बार उबाल लिया है और इसका घोल तैयार कर लिया है, इसमें डालेंगे। इस पे भी क्रीम डालेंगे। केक का दूसरा पीस भी डाल देंगे, इसमें भी थोड़ा शुगर सिरप डालेंगे। क्रीम डालेंगे। सब तरफ क्रीम अच्छी तरह से लगा दिया है, इसे फिर से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डालेंगे। एक गिलास में गर्म पानी लेंगे और उसमें इस चॉकलेट को डुबा देंगे ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ से साइड से कट करेंगे। इस तरह से और इस तरह से साइड में लगाने के बाद से अब इसके ऊपर थोड़ा चॉकलेट को मैं इस तरह से डाल दूंगी। इस पर भी मैंने चॉकलेट ग्रेट कर दी है और साइड में भी कर दिया है। अब आपके पास अगर चेरी या टूटी फ्रूटी हो तो उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ टूटी फ्रूटी से इसे थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। इसके ऊपर ये हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर या टैग बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, वो लाके लगा दें। तो देखा आपने कितनी आसानी से कुछ ही चीज़ों से, घर की चीज़ों से ये मैंने एक केक बनाया है और ख़ुदा का शुक्र है सही बन गया है।
मैंने इसे पहली बार ट्राई किया है।